के महीने में हर हर महादेव जय श्री महाकाल श्री स्मरण वस्तु व्याम पर दी पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े प्रदोष पड़े शिवरात्रि पड़े प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में चार पांच जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर ये दो जगह पर अवश्य चढ़ा। एक महीने में जितने सोमवार पड़ जाए और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है, देव अधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं। कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंद देव, ए कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया षडानंद कार्तिकेय, भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा षडानंद कार्तिकेय, इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहाँ समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसे और होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, माँ जगत जननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव,